ये है एक 700 रुपये का मैकेनिकल कीबोर्ड जिसको मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये है एक 5000 रुपये का मैकेनिकल कीबोर्ड जिसको मैं पिछले 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं इन दोनों क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? वेल, जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों एक कीबोर्ड है। दूसरी चीज़, दोनों फुल साइज़ कीबोर्ड्स हैं। तीसरी चीज़, दोनों फुल साइज़ मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं। और चौथी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों अलाउ करती है गेमर्स को गेम की चैट में माँ बहन की गाली देने। लेकिन क्या है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, क्या है सिमिलैरिटीज़? वेल, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। टायर्ड ऑफ योर बोरिंग ब्लैक PSU केबल्स? देन इट्स टाइम टू चेंज इट अप विद SenseMods कस्टम स्लीव केबल एक्सटेंशंस। You get endless customization options with full universal PSU compatibility, backed by industrial grade 100% copper, 18 gauge wires, and a heat shrinkless PT sleeve design. Your PC will be safe and sexy. Order your kit today from the links in description below. तो सीन ऐसा है कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ये 700 रुपये का HCL डायमंड मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ जाके यहाँ पे वीडियो चेक करें, बिकॉज दैट्स एन ऑसम वीडियो जो हमने बनाई थी। इसके अलावा मेरे पास कई सारे कीबोर्ड्स आए गए लाइक फॉर द रिव्यूज़ एंड स्टफ, या फिर दूसरे मुझे ऑप्शन मिले कीबोर्ड पे स्विच करने का। लेकिन मैं बार बार इसी को यूज़ करने लगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड है तो मुझे नंपैड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। चैनिक ब्लैक स्विचेस यूज़ कर रहे हैं जो बाकी मार्केट में अवेलेबल स्विचेस है थोड़ा सा अलग है। लेकिन थोड़े टाइम पहले जब हमें XPG ने ऑफर किया चेक आउट द न्यू समर कीबोर्ड, तो मैंने सोचा इस पे भी स्विच करके देखते हैं और मे बी शायद मुझे कुछ नया मिल जाए, और बिकॉज ये भी एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्राइस। एंड ये जो XPG समर है इसका प्राइस होता था अप्रॉक्सीमेटली लाइक 7000 के आसपास, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये जो है एक प्रॉपर परमानेंट डिस्काउंट पे चल रहा है। यानी अब इस कीबोर्ड का जो परमानेंट प्राइस है वो है 5000 रुपीज, जो मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक प्राइस है जब हम लोग कॉम्पिटिशन को कंसिडर करते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस प्राइस से बहुत ज्यादा फुल साइज कीबोर्ड्स एटलीस्ट फ्रॉम लाइक रेनाउंड ब्रांड्स, मतलब कुछ एक दो ब्रांड्स है चाइनीज ब्रांड्स हैं अमेजोन पे, लेकिन वहाँ पे सर्विस सपोर्ट का हमेशा थोड़ा चक्कर रह सकता है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको सर्विस की गारंटी जरूर मिलेगी। तो इस कीबोर्ड के मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे है चेरी MX स्विचेस, और ये आपको 3 वेरियंट्स में मिल सकते हैं, या तो MX स्पीड, या तो MX रेड, या फिर MX ब्लू, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आई थिंक MX स्पीड और द MX रेड्स आर द बेटर ऑप्शन। और इनके टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात थोड़ी सी देर में करते हैं। एंड इसके अलावा आप कस्टम मैक्रोस बना सकते हैं या फिर RGB इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग XPG प्राइम सॉफ्टवेयर। तो कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कीबोर्ड की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे बॉडी की फिनिश लगी अच्छी लगी, देयर इज अ गन मेटल ग्रे एल्युमिनियम टॉप प्लेट। दूसरी तरफ जो कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी वगैरह वो ठीक है, फ्लेक्स वगैरह थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा नहीं है, इट्स वेरी फाइन। अब मैं ये जरूर कहूंगा इसका जो ओवरऑल एस्थेटिक है या ओवरऑल डिजाइन है वो प्रॉपर टिपिकल अपना गेमर कीबोर्ड के स्टाइल का है। थोड़ा सा स्लिम साइड पे है इसका जो प्रोफाइल वगैरह, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी। तो कंपेयर टू माई 700 रुपीज कीबोर्ड, ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको जब भी उठाऊंगा मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगा, बिकॉज दैट कीबोर्ड इज लाइक वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा ही आवाज करता है, बहुत ज्यादा क्रीकिंग करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जहाँ पे ये वाला कीबोर्ड मेरे दूसरे वाले कीबोर्ड से ज्यादा आगे है। एंड उसमें सबसे पहले आता है मेरे ख्याल से वॉल्यूम व्हील। जो मेरा पुराना कीबोर्ड है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है लाइक ना वॉल्यूम व्हील, तो छोड़ो कोई वॉल्यूम बटन्स तक नहीं है या फिर प्लेबैक मीडिया कंट्रोल कुछ नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा इशू नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वॉल्यूम डायल है, जिसको आप वॉल्यूम व्हील कह लो या वॉल्यूम रोलर कह लो या वॉल्यूम डायल कह लो, जिसको आप एक DJ की तरह है ना लाइक कंट्रोल कर सकते हैं और काफी जल्दी आप इसके यूज्ड हो जाते हैं। लाइक है ना जब मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे कई बार वॉल्यूम ऊपर नीचे करनी पड़ती है डिपेंडिंग मैं कौन सी क्लिप चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी थोड़े शॉर्टकट्स है लाइक देयर इज आल्सो डेडिकेटेड म्यूट बटन, और यहाँ पे प्ले पॉज वगैरह के नॉर्मल कंट्रोल्स वगैरह भी अवेलेबल है जिसको आप फंक्शन बटन दबा के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, भाई साहब ये क्या म्यूट बटन डाला हुआ है यहाँ पे? लाइक जिस दिन पैकेज से निकाला था उस दिन तो ठीक था, उसके 2 दिन बाद से लाइक ऑलमोस्ट ये डांस करना शुरू कर रहा है, यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा लूज हो चुका है। और ये बटन ऐसा नहीं आपको धोखा देगा, आप एक्सपेक्ट करते हैं इसका साइज वगैरह देखे कि ये बहुत ज्यादा क्लिकी होगा या फिर इसमें बहुत ज्यादा फीडबैक होगा, बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हो जब आप इसको प्रेस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये बटन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं एक ऐसे एडिशनल फीचर की जो नॉर्मली इस प्राइस रेंज के कीबोर्ड्स में अवेलेबल नहीं होता है, मैं बात कर रहा हूँ USB पास थ्रू की। बेसिकली ये जो फीचर है ये जनरली मैंने Corsair की कीबोर्ड्स पे ज़्यादा देखा है या फिर कुछ एक दो दूसरी कंपनीज के मॉडल्स के में देखा है, लेकिन उनके जनरली प्राइसेस 10000 रुपये के ऊपर होते हैं। बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे आप ना लगा के अपने लाइक USB पेन ड्राइव वगैरह या फिर USB 3 पेन ड्राइव वगैरह यहाँ पे कनेक्ट कर सके, बिकॉज ये USB 2 स्पीड तक लिमिटेड है। ये अच्छा काम कर सकता है फॉर योर ब्लूटूथ रिसीवर्स में भी, या फिर अगर आपके पास वायरलेस माउस उनके रिसीवर्स के लिए अच्छा काम कर सकता है। यहाँ अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे ना छोटी सी लाइट लगा सकते हैं जो आपके कीबोर्ड को इल्यूमिनेट करेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आएगा वो क्यों करेंगे बिकॉज ऑलरेडी देयर इज बैकलाइट ऑन द कीबोर्ड। अब कई सारे इफेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं XPG प्राइम सॉफ्टवेयर से, आप है ना बटन्स दबा के भी है ना एक्चुअली कंट्रोल RGB को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मार्किंग्स नहीं की, लेकिन फिर भी दैट्स फाइन, एटलीस्ट कीबोर्ड क्लीन लगता है इस तरीके से। इस कीबोर्ड में जो की कैप्स है वो ABS प्लास्टिक के नॉर्मल
एक्सएमएल की कैप्स है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो उन्होंने फॉन्ट यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और लाइटिंग वगैरह के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म है। एंड और भी अच्छी बात यह है कि अनलाइक सम अदर कंपनीज जो है ना नॉन ट्रेडिशनल है ना की कैप्स यूज़ करती है अपने कीबोर्ड्स के लिए, इन्होंने ट्रेडिशनल लेआउट वाले की कैप्स यूज़ किए, तो आप किसी भी कस्टम की कैप को यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में एक और एडिशनल फीचर है जो मुझे अच्छा लगा, एक इंक्लूडेड रिस्ट है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसकी जो कवरिंग वो प्रोटीन लेदर से बनी हो और सबसे अच्छी बात ये मैग्नेटिक है, तो आप इसको आराम से स्नैप ऑन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर मेंशन करूँगा कि रिस्ट रेस्ट का कवर अभी से थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता, आई गेस एटलीस्ट जोर नहीं पड़ता, आई होप इसे ज़्यादा डैमेज ना हो, लेकिन मैं ज़्यादा उम्मीदें हाई नहीं रख रहा यहाँ पे। यहाँ पे जो गेम मोड एक्टिवेट करने की लाइट्स है या फिर कैप्स लॉक की लाइट है, नम लॉक की लाइट है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई एम रियली सरप्राइज कि अगर पूरा कीबोर्ड आपने आरजीबी से भरा है, इतना सब कुछ आरजीबी आपने डाला है, उन तीन लाइट से भी अगर आरजीबी या फिर एटलीस्ट एक अच्छा डिफ्यूजर लगा दे तो काफ़ी काम अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ केबल की बात करें, दिस इज अपडेटेड केबल, अगर आप लोगों को मेरे चैनल की हिस्ट्री पता है, मुझे नफरत है इस टाइप की केबल से, मुझे नहीं अच्छी लगती। दिस इज अ वेरी थिक केबल बिकॉज यहाँ पे दो केबल जा रही है, एक यूएसबी पास थ्रू के लिए और एक्चुअली कीबोर्ड के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको लाइक करना रैप करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट इसमें एक्सपीजी में एक एडवांटेज जरूर है कि इसकी केबल लंबी है, बिकॉज वो 700 रुपए वाली कीबोर्ड की केबल बहुत ज्यादा छोटी है। अब फाइनली बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मैकेनिकल कीबोर्ड जाने जाते हैं, वो है फील, वो है आई गेस आई डोंट नो, फील के अलावा मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स खरीदने का बेनिफिट ये होता है कि जो आपको एक्स्ट्रा फीडबैक मिलता है कीज से, स्विचेस से, वो थोड़ा खास होता है, आपकी अपनी पसंद के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से आप है ना स्विचेस लगा सकते हैं। लेकिन ये कीबोर्ड बिकॉज जनरल है, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये चेरी एमएक्स स्विचेस के साथ आता है जो लाइक इट्स ऑल राइट, लाइक मैं कहूँगा एंट्री लेवल मैकेनिकल स्विचेस में आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक डिसअपॉइंटेड हूँ, यहाँ पे मेरा 700 रुपये वाला कीबोर्ड एक्सपीजी के समनर से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरा पुराना कीबोर्ड था वो पूरी तरह प्लास्टिक से बना है, लेकिन उसका एक एडवांटेज ये होता है कि जब भी आप स्विचेस प्रेस करते हैं कीबोर्ड एक्चुअली थोड़ा से जो वाइब्रेशन है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, आपका ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है कीबोर्ड या स्विच। दूसरी तरफ जो एक्सपीजी समनर है, यहाँ पे जो स्विचेस है उनको कहते हैं फ्लोटिंग डिजाइन, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम टॉप प्लेट है वहां के उसके ऊपर स्विचेस को माउंट किया गया है, एंड ये जो फ्लोटिंग साइड वाला कीबोर्ड है ना इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पिंग की। पिंग उसकी बात नहीं कर रहा कि जहां पे आप गेम आपकी स्लो कर रहा हूँ कि एक आवाज की, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे आसपास ज्यादा शोर नहीं हो रहा और मैं इस कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे एक टिंग 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 की आवाज सुनाई देती है, सुनने में थोड़ा फनी लगेगा लेकिन दैट्स नोन एज द मेटालिक पिंग। और इसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम प्लेट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टाइटनेस है, एंड जो स्विच के अंदर का स्प्रिंग है वो थोड़ा सा लाइक एक दूसरे से क्लैश करने के बाद वो आवाज करते हैं, एंड ये चीज मुझे थोड़ा सा जरूर परेशान करी जब से मैंने स्विच ओवर किया, बिकॉज मैं मुझे अपने आसपास बहुत शांति पसंद है, लाइक है ना अगर मैं रात को काम कर रहा हूँ तो है ना मुझे ज्यादा शोर नहीं पसंद, और जब भी मैं इस पर टाइप करता हूँ मुझे वो पिंग सुनाई देता है, मेरा दिमाग थोड़ा सा डाउन जरूर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरा पुराना वाला कीबोर्ड जिसकी बेकार से बिल्ड क्वालिटी थी वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करता है, एंड थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए इस डिफरेंस को ये रहा एक साउंड टेस्ट। तो जैसे आपने वीडियो में सुना यहाँ पे एक और चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है इसके स्टेबलाइजर्स, एंड मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि किसी भी नॉर्मल कीबोर्ड में ना जो इस टाइप के गेमर कीबोर्ड्स होते हैं, चाहे रेजर के हो, कूलर मास्टर के हो, किसी भी दूसरी कंपनी के हो ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है ख़राब स्टेबलाइजर्स। यहाँ पे बहुत ही बेसिक चेरी स्टाइल वाले स्टेबलाइजर्स यूज़ किए जिनमें कोई फैक्ट्री लूबिंग नहीं है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि बस यहाँ पे बस उन्होंने रखा हुआ है। सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप इसको स्टेबलाइजर्स को निकालो, इनको खुद मॉडिफाई करो और इस पर 2-3 घंटे अपने बर्बाद करो, एंड मे बी उसके बाद भी आपके शायद ना स्टेबलाइजर्स ठीक ना हो,
बिकॉज इसकी बॉडी का डिजाइन ही ऐसा है। अंडर 10,000 रुपीज नॉन कस्टम कीबोर्ड्स के लिए ये चीज कॉमन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या आपको XPG समनर जैसे कीबोर्ड को 5,000 रुपए देके खरीदना चाहिए कि नहीं? Well, उसका आंसर है यस, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। अगर आपको एक बेसिक सा 5,000 रुपए में फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए जिसमें चेरी एमएक्स रेड स्विचेस हो और आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी और आपको थोड़े से क्रीचर कंफर्ट्स भी चाहिए लाइक द वॉल्यूम व्हील रिस्ट रेस्ट या फिर यूएसबी पास थ्रू, आई थिंक डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स अ डिसेंट वैल्यू। दूसरी तरफ जो मैंने टाइपिंग वगैरह की बात की थी, यस डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरा 700 रुपए वाला पुराना वाला जो कीबोर्ड है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा था उस मामले में, लेकिन दिस इज मोर देन फाइन। अगर आप पहली बार कीबोर्ड ले रहे हैं या फिर किसी बहुत ही बेसिक कीबोर्ड से आ रहे हैं ना, दिस विल डेफिनेटली फील अ लिटिल बिट बेटर। अब बाहरी आती है मेरे लिए कि क्या मैं स्विच कर रहा हूँ इस कीबोर्ड से इस कीबोर्ड पे, एंड उसका आंसर है यस फॉर द टाइमिंग यस। ऑब्वियसली कस्टम कीबोर्ड पे जाने का जरूर मन है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है एंड दैट्स अ रैबिट होल जिसमें मैं नहीं घुसना चाहता। जान पहचान के लोगों ने वहां पे एंट्री की है और वो कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए, वो उनका वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा मुझको, तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उस रास्ते में भी घुस जाऊं। तो लेट मी नो आप इनमें से कौन सा कीबोर्ड प्रेफर करेंगे और क्या प्लान करें कोई कस्टम कीबोर्ड या फिर कोई नॉर्मल मैकेनिकल कीबोर्ड पे अपग्रेड करने का। सो अगर आपको XPG समनर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। यू कैन बाय इट फॉर लाइक 5,000 रुपीज राइट नाउ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको HCL डायमंड परचेज करना है देन लेट मी टेल यू आर आउट ऑफ लक और काफी मुश्किल होगा बिकॉज ये कीबोर्ड सिर्फ अमावस्या की 10वीं अमावस्या में ही हर बार सेल पे आता है, तो आपको थोड़ा सा लाइक लुकआउट पे रहना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन